महाराष्ट्र के विपक्ष की ओछी राजनीति देखिए। सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता और माजी मंत्री आदित्य ठाकरे हो, अधूरे अध्ययन पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। बयान देने का आपको अधिकार है, पर कम से कम जानकारी लेकर बयान करें। केंद्र सरकार का दिसंबर 2021 सेक्युलर में दर्ज है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर है। जो पवित्र भगवान की स्थली है, उसे राजनीति का हिस्सा न बनाएं। महाराष्ट्र के विपक्ष की ओछी राजनीति देखिए। सांसद सुप्रिया सुले हो, कांग्रेस के नेता हो या श्रीमान आदित्य ठाकरे हो, पूर्णतः अधूरे अध्ययन पर भीमा शंकर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। बयान देने का आपको अधिकार है, पर कम से कम जानकारी तो लेते। केंद्र सरकार का दिसंबर 2021 का सर्कुलर है, जिसमें पूरी तरह से दर्ज है कि भीमा शंकर यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। कोई जानकारी नहीं ली, अधूरे अध्ययन के आधार पर वे जरूर ओछी राजनीति करे, पर कम से कम जो पवित्र भगवान की स्थली है, उसे तो राजनीति का वे हिस्सा न बनाए।